Hey guys, इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्मूथनिंग करके दिखाने वाली हूँ. स्मूथनिंग कैसे करते हैं वो भी बताने वाली हूँ और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो भी बताऊंगी. चलिए अब शुरू करते हैं. अभी मैं स्मूथनिंग करने जा रही हूँ. स्मूथनिंग के लिए मैं जो यूज कर रही हूँ ये स्विस कॉफ का स्ट्रेट थेरेपी यूज कर रही हूँ. ये प्रोडक्ट फर्स्ट जो है ये 0 नंबर है. और कैसे करना है उसके लिए एक बाउल चाहिए. मैं ऑलरेडी इस बाउल में प्रोडक्ट जो है निकाल के रख चुकी हूँ. और तेल कॉम चाहिए होगा और जो है शीट चाहिए होगी कटिंग शीट और 4-5 जो है सेक्शन क्लिप चाहिए होगा जिससे हम जो हेयर जो हेयर हेयर के जो फोर सेक्शन करेंगे. सबसे पहले हेड वॉश करना होता है. मैं ऑलरेडी हेड वॉश कर चुकी हूँ. हेड वॉश करते टाइम आपको हेयर मास्क या कंडीशनर या सीरम उसके बाद नहीं लगाना है. सिर्फ शैम्पू करना है बहुत अच्छे से. 2 बार अगर ज़रूरत लगे तो 2 बार शैम्पू करना, नहीं तो 1 बार ही इनफ है. उसके बाद जो है 100% ड्राई करेंगे. मैं ऑलरेडी हेयर वॉश करके ड्राई कर चुकी हूँ. अब मैं जो है सेक्शनिंग करूँगी. सेंटर चीज निकाले इस तरह से. सेंटर चीज निकालने के बाद ईयर टू ईयर सेक्शन निकाल के इसको सेक्शन क्लिप की मदद से सिक्योर कर ले हेयर को. अब मैं सेक्शन कर चुकी हूँ. ये इसलिए मैंने छोड़ा इस पार्ट को जो है इस पोर्शन से मैं शुरू करूंगी. 3 सेक्शन किया और हेयर को जो है सिक्योर कर चुकी हूँ. ग्लव्स भी पहने जिससे कि आपकी स्किन जो है सेफ रहेगी. अब मैं ये जो सेक्शन है आपको कैसे करना है ये बताऊंगी. ऐसे करके हॉरिजॉन्टल जो है सेक्शन निकाल ले. आपको रूट से 1 से 1.5 इंच छोड़ना है क्योंकि अगर हम रूट्स में लगाएंगे तो हेयर फॉल की प्रॉब्लम होगी. इसलिए ये चीज़ ध्यान रखनी है. एक रूट से 1.5 इंच या 1 इंच छोड़ के आपको प्रोडक्ट को यूज करना है. इसी तरीके से आपको सारे सेक्शन कंप्लीट करने हैं. और आपको लग रहा होगा कि मैंने ये नीचे जो है एंड्स क्यों छोड़े हैं. इन्होंने जो है 2 साल पहले स्मूथनिंग कराई थी और अभी भी नीचे वाले जो हेयर है स्ट्रेट है. तो ये बहुत ज़्यादा वीक हो अगर मैं लगा दूंगी तो ये जो बाल है ये तो बर्न होने के चांसेस होंगे और इसमें एक्सेस ड्राइनेस आएगी. तो इसमें हम जो है हेयर मास्क मिक्स करके 10 मिनट पहले वॉश करने से 10 मिनट पहले जो है इसमें अप्लाई करेंगे नीचे वाले को. कम्प्लीट कर चुकी हूँ. पूरी एप्लीकेशन कम्प्लीट हो चुकी है और आपने देखा है कि किस तरह से मैंने लगाया है. लगाना भी बहुत ईजी है, डिफिकल्ट है नहीं. अब इसको जो है मैं 40 या 45 मिनट्स के लिए छोड़ दूँगी और बीच में जो है आधे घंटे बाद चेक करूँगी बोन को कि बोन ब्रेक हुआ या नहीं हुआ. अच्छा, अब ये जो वो जो क्रीम लगाया था वो वॉश करके मैं लेके आ चुकी हूँ. वॉश के बाद आपको अच्छे से हेयर मास्क लगाना होता है वहीं पे शैम्पू स्टेशन पे. हेयर मास्क को 10 मिनट रखने के बाद मैंने वॉश किया. अब मैं सिरप लगाऊंगा. सिरम लगाने के बाद कॉम करना है. सबसे पहले आपने वही सेंटर चीर निकाल के फिर कॉम करना है जिससे आपको कॉम करने में ईजी रहेगा. कॉम करने के बाद अब बालों को 100% सुखाएंगे. 100% सुखाने के बाद जो है प्रेसिंग करेंगे. प्रेसिंग भी जो है हेयर के अकॉर्डिंग की जाएगी. मतलब उसमें टेम्परेचर होता है उसके अकॉर्डिंग फिक्स किया जाएगा. अब मैं हेयर को 100% सुखा चुकी हूँ.
इसके बाद अभी सेक्शन करूँगी। सेक्शन करने के बाद जैसे आपने पहले सेक्शन किया था, सबसे पहले सेंटर चीर निकालना है आपको, फिर ईयर टू ईयर हेयर सेक्शन कर ले, और इस वाले इस तरह से सेक्शनिंग कर ले। सेक्शन करने के बाद जो है, अब हम ये जो मैं प्रेसिंग यूज़ कर रही हूँ, ये आइकोनिक का है, ये प्रोफेशनल यूज़ करते हैं। प्रेसिंग कर चुकी हूँ। इसके बाद सेकेंड एप्लीकेशन होगा जो न्यूट्रलाइजर होता है, जो उसको फिक्स करने का काम करता है। मैं ये लगा रही हूँ, ये न्यूट्रलाइजर है, ये बालों को फिक्स करने का काम करता है। ये लगाने में भी 10 मिनट लगेगा और उसके बाद जो रखना होगा वो भी 10 मिनट ही होगा। अब मैं न्यूट्रलाइजर भी वॉश कर चुकी हूँ। अब गीले गीले बालों में ही सीरम लगाना है, 2 से 3 पंप लेना है। स्मूथनिंग कंप्लीट हो गई है, ये देखिए फाइनल लुक। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, और आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और ये जो मैंने स्मूथनिंग करी है, इसका रिजल्ट आप लोगों को कैसा लगा ये भी आप मुझे बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।